हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी और हेल्थी, टेंशन फ्री होंगे। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सही चैनल जिसमें आप सबको फिशर्स के में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बहुत जैसा कि मैं हर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आपके पास आता रहता हूँ, तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आपके पास। तो आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर कीपिंग सिचलेट्स टैंक बिगिनर्स के लिए, कि सिचलेट्स टैंक आप रख रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और उसके टिप्स क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि 4 फीट की टैंक है, जो लंबाई इसकी 4 फीट है और विड्थ 2 फीट है और हाइट जो है 19 इंच है, यानी 1.75 फीट। तो इसमें सिचलेट्स हैं और ऑस्कर भी हैं थोड़े, लेकिन ये ऑस्कर अभी थोड़े सीख हैं, मुझे अभी इसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना है। ये नया टैंक सेटअप है, इसमें सरफेस भी आप देख सकते हैं, इनके लिए सैंडी सरफेस रखें, क्योंकि ज़्यादातर सिचलेट्स के लिए सैंडी सरफेस रखना बहुत ज़रूरी है। शार्प रखेंगे ये फिशेज जो है अपने आप को हर्ट कर सकती है। तो आज हम बात करते हैं सिचलेट्स के टिप्स के बारे में, कि बिगिनर्स के लिए सिचलेट्स को आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हर सिचलेट्स को ट्रॉपिकल फिशलेट्स में रखा जाता है, जैसा कि फिशेज जो है अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है, ये बहुत हार्डी फिशेस हैं। ये फिशेस आप आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए केयर के लिए थोड़े चैलेंजिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको प्रॉपर नहीं रख सकते या इसके मेंटेन नहीं कर सकते, रख सकते हैं, बस थोड़े चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जिससे आप फिशेस को हैप्पी और हेल्थी रख सकते हैं। मेन की कॉम्पोनेंट जो है फिशेस के लिए, सिचलेट्स के लिए, वाटर क्वालिटी का है, जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर का क्वालिटी प्रॉपर ना रहने की वजह से फिशेस जो है जो बहुत जल्दी सिक और अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप इसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिचलेट्स में बहुत से वैरायटी हैं, जैसा कि कहा जाता है कि 1000 टाइप्स के सिचलेट्स पाए जाते हैं। फिलहाल अभी तक 350-400 के करीब सिचलेट्स जो है पाए जाते हैं मार्केट्स में, आप अलग अलग टाइप्स के, एक ही वेराइटीज़ के अलग अलग स्पेसिस पाए जाते हैं। ये फिशेस जो है एक्सट्रीमली टेरिटरी फिशेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको टेरिटरी प्लेस दे अपना, वरना ये फिशेस अपनी टैंक में अपनी जगह को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। इसलिए ज़रूरी है कि आप टेरिटरी प्लेस दे, जिससे ये अपना एक टेरिटर बना लेगी और दूसरों के ऊपर अग्रेसिव नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि वाटर क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेस के लिए। अफ्रीकन सिचलेट ज़्यादातर फिशेस ये डिपेंड करती है वाटर क्वालिटी के ऊपर और रहना पसंद करती है क्लीन क्लियर वाटर, और इसका पीएच भी आप मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसा कि 7.62-8.8 पीएच है, ये डिपेंड अपॉन फिशेस के ऊपर है, लेकिन ये नॉर्मल फिशेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिशेस जहाँ से बिलोंग करती है जो नेचुरल में, वहाँ का पानी का पीएच इस तरह रहता है, इसलिए आपको इसी तरह आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसका टेम्परेचर ज़रूरी है कि आप 76-17 फ़ारेनहाइट रखें, 24-29 या 30 तक रखें। ये फिशेस सॉफ्ट वाटर में रहना भी पसंद करती हैं, लेकिन थोड़े चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसा कि आप पानी का चेंजेस वीकली 1 टाइम चेंज करते रहें, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें, प्रॉपर पीएच मेंटेन करें, और हीटर और फिल्टर ज़रूर डालें, और थर्मामीटर का भी यूज़ करें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि टेम्परेचर में कितना गिराव उतार चढ़ाव आ रहा है, जिससे आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है फिश की, सिचलेट फिश की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये भी एक जानदार हैं, इसलिए आपका ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो थर्मामीटर ज़रूर लें, हीटर रखें और गुड फिल्ट्रेशन यूज़ करें। और दूसरे टॉपिक जो टिप्स है, डेकोर एंड हाइडिंग प्लेस। ये डिपेंड करता है कि अफ्रीकन सिचलेट जो है कॉमनली रहना पसंद करती हैं, पीसफुल हैं, और केयरफुली से आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेकोरेशन का, क्योंकि फिशेज ज़्यादातर डेकोरेशन को पसंद नहीं करती, ये डेकोरेशन को हिट करती है। अगर आप वेल डेकोरेटेड टैंक में रखेंगे, फिशेज जो है इसको तहस नहस कर सकती है, इसलिए आप बस रॉक्स रखें, हाइडिंग प्लेस दें, और प्लांट्स आप भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरी है तो, क्योंकि प्लांट्स भी ज़रूरी नहीं, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। ये फिशेस बहुत प्लेफुल फिशेस हैं और हिटिंग करना पसंद करती हैं, अटैक करना पसंद करती हैं, यहाँ तक कि आपका ग्लास भी कभी कभी फिशेस तोड़ देती हैं, इतना प्लेफुल फिशेस हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि इतना बड़ा
कोई डेकोरेशन ना रखें जिसकी वजह से फिशेस गिराकर गिलास के वॉल को तोड़ सकें। इस तरह का डेकोरेशन ना रखें क्योंकि फिशेस मोर अराउंड यानी ज़्यादा स्विम करना पसंद करती हैं, फास्ट स्विमर है जिससे कभी कभी डेकोरेशन को हिट कर सकती हैं। और शार्पी डेकोरेशन ना रखें जिससे फिशेस को प्रॉब्लम हो और फिश को हर्ट करे। और जैसा मैंने कहा कि टेरिटल प्लेस ज़रूर रखें क्योंकि फिशेस दूसरों के साथ अपनी जगह शेयर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये अग्रेसिव फिशेस होती हैं ज़्यादातर सिचलेट्स। अगर आप टेरिटरी प्लेस दे देंगे तो ये दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगी, अपना काम देखेगी। टैंक बड़ी रखें, छोटी टैंक में ना रखें। अगर छोटी टैंक में रखेंगे ये फिशेस जंप भी कर सकती हैं। और तीसरा टिप हम बात करेंगे प्लांट्स और सबस्ट्रेट यानी जो बॉटम है उसके बारे में। जैसा कि मैंने फिर कहा, अफ्रीकन सिचलेट्स लेक से बिलोंग करती है, मलावी लेक्स, और ऐसे लेक्स जो है 50 से 60 मीटर तक गहराई के बड़े रहते हैं। वहाँ सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं और सैंडी यानी रेतीली ज़मीन के जैसा रहता है सबस्ट्रेट में, इसलिए वो रेतीली ज़मीन के हिसाब से रहना पसंद करती है। इसलिए आपको ज़रूरी है, जैसा आप इस टैंक में दे सकते हैं, कि रेतीली ज़मीन में रखें, शार्पी या कोई ऐसे ग्रेवल यूज़ ना करें जिससे फिशेस को हर्ट हो। और लाइव प्लांट भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन लाइव प्लांट्स कभी कभी फिशेस अटैक कर देती हैं, इसलिए आप चाहे तो डाल सकते हैं। हार्डी लाइव प्लांट्स डालें जिससे फिशेस अगर अटैक भी करें तो हार्डी प्लांट्स डालें अगर फिशेस अटैक करें प्लांट्स के ऊपर हर्ट ना हो, इसलिए इस तरह का डाल। या तो आप ज़रूर आप डाल सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट, देखें आप इस टैंक में देख सकते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल प्लांट डाला है, इस तरह आप डेकोरेट कर सकते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवर क्राउड ना करें, क्योंकि ओवर क्राउड करने की वजह से फिशेस एक दूसरे में अग्रेसिव होते हैं। जैसा कि अभी ये ओवर क्राउडेड टैंक है, इस तरह ना कि एक तो इमरजेंसी के लिए किया गया है, आप इस तरह अपनी टैंक ओवर क्राउड ना करें, इससे फिशेस अग्रेसिव होकर और हाइडिंग प्लेस नहीं मिलती आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगी। और चौथा टिप्स हम बात करेंगे टैंक मेट्स के बारे में। जैसा कि चंद सिचलेट्स ऐसे हैं जो दूसरों के साथ भी रहना पसंद करती हैं, और चंद सिचलेट्स ऐसे हैं जो अग्रेसिव होते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़े फिशेस सेमी अग्रेसिव फिशेस नॉन अग्रेसिव फिशेस हैं, वो आप कोई भी फिशेस के साथ यानी कोई भी फिशेस हो अगर आप टेरिटल प्लेस दे देंगे तो शेयर करेंगे। जैसा कि आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं डानियोस, प्लेको, लार्जर टेट्रास, ऑस्कर, पैरोट, आरोवाना, लिबियो शार्क, रेनबो फिश, इस तरह के फिशेस आप ऐड कर सकते हैं। ये फिशेस के साथ सिचलेट्स जो हैं, ये फिशेस का सिचलेट्स अपना जगह शेयर करना पसंद करेंगे। उनके अग्रेसिव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि सेम कलर के सिचलेट्स डालें और सेम साइज़ के टैंक मेट्स डालें, क्योंकि अगर छोटे सिचलेट्स हैं तो वो एक दूसरे को अटैक कर देंगे, खा भी सकते हैं एक दूसरे को। अगर छोटी फिशेस बड़ी फिशेस को खा सकती है, बड़ी फिशेस छोटी फिशेस को डरा कर रख सकती है जिससे छोटी फिशेस छुपी रहती है, बाहर आना से डरती है, फ्रेटेन हो सकती है। बराबर साइज़ की एक एवरेज साइज़ की टैंक मेट्स रखें और सेम कलर के, क्योंकि दूसरी फिश जो है कलरफुल रहेगी तब भी बड़ी फिशेज और छोटी फिशेज कलरफुल है तब भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए एक हिसाब से रखें। और पांचवा टिप्स है टैंक साइज़, जितना बड़ी होगी उतना अच्छा है। अगर आप छोटी टैंक में रखें एटलीस्ट 20 गैलन टैंक रखें, इससे छोटी गैलन में ना रखें। सिचलेट्स बहुत फास्ट स्विमर है, बड़ी जगह पसंद करती हैं और स्विम अराउंड करना पसंद करती हैं, इसलिए ज़रूरी है आप बड़ी टैंक रखें। जैसा मैंने कहा कि सेम साइज की स्पेसिस रखें और बड़ी फिशेस ना रखें, जो 5 फीट तक 4 फीट तक जैसा कि गार्स है, या कोई बड़ी फिशेस ना रखें जो छोटी टैंक में रखकर बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है फिशेस को भी और आपको भी उनके मेंटेन करने से। इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ी टैंक रखें, जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होगी, और ओवर क्राउड ना करें। जैसा मैंने कहा कि जितनी टैंक है उसके हिसाब से फ़िशेस डालें, कुछ केव्स दें जो अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह दें फिशेस को, जिससे वो अपने आप को हील कर सकती है जब अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि जब फिशेस अडल्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो शेयर करना पसंद नहीं करती अपनी जगह को। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये ज़रूरी है हाइडिंग प्लेस सिचलेट्स के लिए, क्योंकि नेचुरल में बिलोंग करती है, जहाँ से वहाँ हाइडिंग ही ज़्यादा प्लेस रहते हैं, रहना पसंद करती है। अगर हाइडिंग प्लेस नहीं होगी तो एक दूसरे को अटैक कर मार सकते हैं, जिससे आपको सैड फील होगा, इसलिए बेहतर है कि आप हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें। और छठवां टिप्स है डेड फूड्स।
फूड के बारे में अफ्रीकन सिचलेट जो है वही बहुत इजी है, आप जो भी डालेंगे फिशेस खा जाएंगी, जैसा कि फ्लेक्स हैं, फूड है, स्टेपल है, इस तरह के फूड आप डाल सकते हैं, फ्रोजन फूड है, ब्रेन श्रिम्स, बीफ हार्ट, आप हफ्ते में एक बार डालें, ये बीफ हार्ट ब्रेन श्रिम्स हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं, बाकी टाइम पे फ्लेक डाल सकते हैं, और ओवर फीडिंग से अवॉइड करें, क्योंकि इससे फिशेस का पेट जो है बड़ा हो जाएगा, इससे फिशेस स्विम करने से प्रॉब्लम होगी और आगे जाकर सिक हो सकती है। जैसा दूसरे फिशेस भी हैं, इस तरह सिचलेट भी थोड़े फिशेस ओमनीवर फिशेस हैं और ज़्यादा खाना पसंद करती हैं फिशेस, इसलिए ज़्यादा ना डालें, जिससे फिशेस को बाद में खाने तकलीफ़ होगी और डाइजेस्ट करने से तकलीफ़ होगी, इससे फिशेस डिसीज आकर मर सकती हैं, और इससे पानी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि फिशेस जितना ज़्यादा खाएगी उतना वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, जितना वेस्ट प्रोड्यूस होगा पानी के अंदर अमोनिया और नाइट्रेट उतना ही ज़्यादा पैदा होगा, इसलिए थोड़ा फिट करें, जितना ज़रूरी है उतना ही फिट करें, 2 से 3 मिनट के अंदर जितना ख़त्म हो जाए उतना फिट करें, उससे ज़्यादा फिट ना करें। ख़ास तौर पर उस फूड को निकाल दे जो बचा हुआ है, बचा हुआ फूड को निकाल दे, क्योंकि इसे पानी के अंदर जाकर नीचे बैठ जाएगा तो पानी को ख़राब करेगा, अमोनिया पैदा करेगा, जिससे फिशेस के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और सातवां बेसिक मेंटेनेंस, जैसा कि बेसिक मेंटेनेंस ज़रूरी है सिचलेट्स के लिए, एक्सट्रीमली ईजी फिशेस है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एवरी वीक 25% पानी चेंज करते रहे, और क्रेवल भी महीने में एक बार एटलीस्ट क्लीन करें, जिससे वेस्टेज या अनईटन फूड पड़ा हो तो उसे आप निकाल कर क्लीन कर सकते हैं, जिससे फिशेस को प्रॉब्लम ना हो, और अवॉइड करके कोई केमिकल यूज़ ना करें क्लीन करने के दरमियान, या टैंक क्लीन करने के दरमियान, या फिल्टर कोई भी चीज़ क्लीन कर रहे हैं, सोप या कोई डिटर्जेंट या केमिकल यूज़ ना करें, इससे फिशेस मर सकती हैं। और स्पॉन्ज फिल्टर का जो स्पॉन्ज रहता है या मीडिया रहता है, महीने में एक बार उसको क्लीन करें। और आठवां हम बात करेंगे टिप्स ओवर स्टॉक के, उसकी इल सिचुएशन यानी उसकी बीमारियाँ डिसीजेस। ओवर क्राउडिंग जब फिशेस अग्रेसिव पैदा करता है, जितने फिशेस ज़्यादा होंगे उतने अग्रेसिव ज़्यादा फिशेस होंगे, एक दूसरे में अटैक करना शुरू कर देंगे, और यहाँ तक कि एक दूसरों को मारना पसंद करेंगे, इसलिए अपने टैंक में फिशेस कम करें, कम कर कर उतना ही रखें जितना फिश टैंक की जितने टैंक की रिक्वायरमेंट है, यानी एक फिट में 2 फिशेस के हिसाब से रखें, यानी 4 फिट की टैंक है तो 8 या 10 फिशेस से ज़्यादा ना रखें, इसी हिसाब से आप रखें, क्योंकि सिचलेट बहुत जल्दी बड़ी होती हैं और फास्ट स्विमर भी है, अग्रेसिव फिशेस भी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा केयर करना ज़रूरी है, जिससे ओवरक्राउड करने से बेहतर है कि आप इसको अवॉइड करें। फिशेस कभी कभी बहुत जल्दी एक दूसरे में अटैक कर देती हैं, एक दूसरे का माउथ जो है लिप लॉक कर लेती हैं, इसे मालूम कर लें कि फ़िशेस जो है लड़ रही है, तो इमीडिएटली जो फ़िशेस वीक है उसको निकाल लें, निकाल कर अलग रखें, अलग रखकर उसका ट्रीट करें, वरना फ़िशेस आज नहीं तो 2-3 दिन बाद फ़िशेस मरी जाएगी एक दूसरे में अटैक करने की वजह से, जो वीक फ़िश है, इसलिए उसको अलग निकालें, उसका ट्रीट करें, उसको प्रॉपर केयर करें, जब सही हो जाए तो वापस टैंक में डाल दें। और जो सिक फ़िशेस को निकाल रहे हैं या डैमेज फिश को निकाल रहे हैं, तो उसको अलग निकाल कर अलग टैंक में रखें, गुड क्वालिटी फूड रखें, फूड फिट करें, जिससे फिशेस अगर अच्छा फूड देंगे तो जल्दी बहुत जल्दी रिकवर होती हैं, जब तक वो फिशेस सही स्ट्रांग ना हो जाए, दूसरों के साथ मिक्स ना करें, और अवॉइड करें केमिकल किसी तरह का यूज़ ना करें, क्योंकि ये शॉर्टकट लगता है, बहुत जल्दी फिशेस में अच्छी हो जाती हैं, लेकिन आगे जाकर फिशेस को इफ़ेक्ट करता है। और नौवां टिप्स जो है वो ज़रूरी है, हम बात करेंगे यूजिंग टेस्टिंग किट, और डालकर टेस्टिंग किट ज़रूर लें, क्योंकि सब कुछ आप रख लिए, सब कुछ सही है, टेम्परेचर है प्रॉपर, फिल्टर है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर पानी का फीचर्स के पानी का जो है आपको पैरामीटर मालूम नहीं हो रहा है कि किस तरह आपको मेंटेन करना है, तकलीफ़ होगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग किट रखें, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि अमोनिया, नाइट्रेट, अल्कलाइन ऐसी चीज़ें ज़्यादा है या कम है, जिससे फिशेस को हर्ट कर रही हैं या डिसीज़ की रीज़न हो रही है या मार रही हैं, इसको देखकर आप उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, फ़िशेस को लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं इसको प्रॉपर मेंटेन करके, इसलिए टेस्टिंग किट ज़रूर लेकर इसका प्रॉपर मेंटेन करें। इसके लिए आप डिटेल से मैंने एक वीडियो में बताया है कि बेस्ट 7 टेस्टिंग किट फॉर बिगिनर्स, उसको देखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दसवां और लास्ट जो हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में, अगर आप सीरियसली ब्रीडिंग करने का इरादा कर रहे हैं सिचलेट्स को, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ऑस्कर को, पैरेट को,
फ्लावर को ब्रीड करने में बहुत अच्छी बात है, आप रख रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको जो ब्रीड करना चाहते हैं उसको उस मेट्स को उस कपल को अलग रखें, क्योंकि जब ये मेटिंग करती हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती, टैंक को एक दूसरे में अटैक कर देती हैं, यहाँ तक मार देती हैं। इसलिए जो मेटिंग कर रहे हैं, जो फिशेस को ब्रीड करना चाहते हैं उसको अलग टैंक में मूव कर दें या दूसरे फिशेस को उसमें से निकाल दें, और वैरायटी फूड फीड करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वैरायटी फूड फीड करें आप, हेल्थी फूड फीड करें ब्रीडिंग के लिए, जैसा कि ब्लडवर्म है, फ्रेंच श्रिम्प्स है, फ्लेक्स है, इस तरह के फूड फीड करें, इससे बहुत जल्दी रिज़ल्ट होता है ब्रीडिंग के लिए। और एटलीस्ट 50 गैलन का टैंक रखें, और ज़रूरी है कि आप कुछ रॉक्स रखें और हेडिंग प्लेस रखें जिससे फिशेस सही ना हो और आराम से ब्रीड कर सकें, और सैंडी बॉटम रखें जिससे फिशेस को तकलीफ ना हो, कोई शार्प होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो। जब ब्रीड कर जाएं, सिचलेट जो है पूरे अंडे ले करती हैं, ब्रीड करने के बाद उसको अलग कर दें, सिचलेट्स को अलग निकाल लें और हैच का प्रॉपर केयर करें, या फ्राइज को अलग निकाल कर उसका केयर करें। इसके लिए एक वीडियो मेरा मैंने ऑलरेडी बनाया है हाउ टू केयर फ्राइज, उसको देख कर आप इसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, रखकर इसका मेंटेन करें। और आपको बहुत ओवर परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरा ए टू जेड 100% आप रखें जब भी फिशेज जो है सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बस प्रॉपर केयर करें, 100% का माइंड से निकाल दें, बस प्रॉपर केयर करें और स्टेप्स को फॉलो करें, आपकी फिशेज जो है हैप्पी और हेल्थी लॉन्ग लाइफ रहेगी, और ज़्यादा इसके बारे में टेंशन ना लें। तो उम्मीद करता हूँ उसमें आपको थोड़ी फिशेज के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम हो गई होगी, सिचलेट्स के टिप्स के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि हाउ टू कीप फिश हेल्थी और हैप्पी और इसके टिप्स के बारे में, तो मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट्स हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि मैं हर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो पर आता रहता हूँ हर दो दिन में। तो बने रहे मेरे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, आप अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।